एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरी ब्लॉग में, बिहारी शादी की ब्लॉग में। मेरी सिस्टर की शादी है जैसे कि पता है आप सभी को, और ये सारा सामान जो बिखरा हुआ देख रहे हो सब सामान मेरी सिस्टर को जाने वाला है। ये बैग, ये सामान, ये कपड़े, बर्तन जो भी दिख रहे हैं सब उसी को जाने वाला है। आज आपको मेरी दुल्हन बनी हुई बहन और उनके दूल्हे राजा भी दिखाई देंगे, तो आप इंतज़ार करिए, वीडियो को देखते रहिए, आपको दूल्हे राजा भी दिखेंगे, हमारी प्यारी सी दुल्हन भी दिखेगी, ठीक है, और उसका एंट्री डांस भी दिखेगा इसी में, ठीक है। इसके नेक्स्ट ब्लॉग में आपको कन्यादान का ब्लॉग दिखेगा, अगले वाले में कन्यादान शेयर करूँगे, उसके बाद वाला विदाई, ठीक है। तो इस ब्लॉग में विदाई एंट्री है और जयमाला है, रिंग सेरेमनी है, तो आप सब पूरा ब्लॉग को देखो, ढेर सारा प्यार दो और लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल पे नए हो तो, और पुराने हो तो आपको सब कुछ पता ही होगा। देखते रहो, एंजॉय करते रहो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि आपको वीडियोस कैसी लग रही है, ठीक है। अब देख रहे हो कितने सारे बर्तन मच्छर जा रही है, बेडशीट, बैग और सोफा वोफा पता नहीं क्या देना पड़ता है। तो ब्लॉग को एंजॉय करो और हम सबका फाइनल लुक देखना कैसा है। यहाँ पर हमारी दुल्हन को तैयार किया जा रहा है और बाकी हम लोग उधर तैयार हो रहे हैं। इसके तैयार होते ही हमारे दूल्हे राजा भी आ गए हैं, और हमारे बिहार में होता है कि यहाँ पे अब परछन किया जाएगा, जो भी सुहागन होगी पांच सुहागन या सात, वो सब दूल्हे को परछन करेगी, गाल सेकेंगी पान लेके, और जो भी होता है आगे देखो, मुझे उतना नहीं आइडिया नहीं है, मैं भी पहली बार ही करने वाली हूँ कि मुझे कोई आइडिया नहीं कैसे करते हैं। ये लोटा से पानी की मतलब कि नज़र उतारेंगे, और मतलब मेरे जितने भी शौक़ थे थोड़े बहुत मैं अपनी शादी में नहीं कर पाई थी, वो मैंने इसमें पूरी करने की कोशिश की है। और जो मैंने एंट्री डांस भी किया, मैंने सिस्टर ने किया है, और जैसे मैं एंट्री चाहती थी खुद के लिए, वो मैंने अपनी बहन में पूरा किया है। मम्मी और पापा ने मिल के उनकी एंट्री करवाई है, सो आप देखो आगे। और चारों भाइयों ने तो जो किया ही है, ये दोनों छोटे भाई हैं, दो बड़े भाई पीछे हैं, और मम्मी पापा ने इनका हाथ, मेरी सिस्टर का हाथ पकड़ के उसको स्टेज तक लेके गए हैं। उसके बाद दूल्हे राजा उनको लेके जाएंगे अपने साथ अपने मंजिल तक, तो आप देखते रहिए। माँ बाप ने अपना बेटी का हाथ किस तरह से दूसरे के हाथ में दे दिया, और वहाँ से वो दूल्हे राजा हमारे अपने रास्ते तक, मंजिल तक, विदाई तक किस तरह से ले जाते हैं, वो सब आप तक शेयर होगा। आप लोग देखते रहिए और इन्जॉय करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। लाइक तो बनता है ना, एक बाप के जो बेटी को विदा कर रहे हैं एक अनजान के हाथों, तो देखते रहिए। I'm not afraid.
दे दे, मम्मा तैयार कर देंगी।